हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू वाव कॉर्नर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अमेज़न फेस्टिव होम डेकोर हॉल। और वाव कॉर्नर का ये फर्स्ट होम डेकोर हॉल है, इससे पहले इस चैनल पे कभी भी होम डेकोर हॉल नहीं गया है। और ये इसलिए भी है क्योंकि अमेज़न पे चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, तो सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे प्राइस पे और डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज योर फेवरेट प्रोडक्ट्स, चाहे फिर वो होम डेकोर का हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो या फिर किसी से रिलेटेड, दिस इज द बेस्ट टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना होम डेकोर हॉल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे अच्छी और फेस्टिव एप्रोप्रिएट चीज से, जो कि है ये गार्लैंड। इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाती जाऊंगी सारे प्रोडक्ट्स का, तो आपको समझ में आता जाएगा कि कैसा प्रोडक्ट है और उसको आप जब डेकोरेट करेंगे, जब लगाएंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो ये मैरीगोल्ड फ्लावर है जिनको हम गेंदे का फूल भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इजी है इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि लगाने के लिए। इस तरीके का इसमें पूरा एक लड़ी आता है, नीचे यहाँ पे एक फाइबर का घंटा टाइप से लगा हुआ होता है, बेल जैसा होता है। ये ऐसे दो होते हैं और इसमें एक सेंटर में लगाने के लिए भी आता है ये छोटा सा ये। और इसमें सभी में ना आपको इस टाइप की रिंग्स दी हुई होती है, जो इजीली आप हुक में इसको सिंपल इस तरीके से हैंग करके लगा सकते हो। तो कोई वो मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपको इसको असेंबल करने के लिए या लगाने के लिए कुछ ठोका पीटी करनी पड़ेगी, आप इसको इजीली हैंग कर सकते हो। तो यहाँ इमेज दिख रही होगी आपको कि लगने के बाद ये कैसा लगेगा। तो दिस इज द फर्स्ट परचेज और इसका प्राइस है 499 रुपीज, और अभी डिस्काउंट में ये आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट परचेज। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड परचेज की तरफ। तो सेकंड परचेज है ये वॉलपेपर। ये बहुत अच्छा वॉलपेपर है, इसको मैंने अपने रूम को रिनोवेट करने के लिए परचेज किया था, और काफी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है आपको इसमें। इसकी क्लिप मैं यहाँ डाल दूंगी कि ये लगने के बाद कैसा लगता है। इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप कैसा भी लगा सकते हो, और ये एक रोल पड़ता है आपको 199 रुपीज का। इन सभी के परचेज लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती जाऊंगी, आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप परचेज लिंक पे पहुंच जाओगे और आप इजिली वहां से परचेज कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड परचेज की तरफ, जो कि बहुत ही क्यूट सा है। वो है ये लकी चार्म एलिफेंट पेयर। इसको लकी चार्म बोलते हैं, आई थिंक लकी होता होगा इसलिए बोलते हैं। और ये जिस ब्रांड से परचेज किया है वो है GW क्रिएशन होम डेकोर। तो ये रेड एंड ब्लैक के पेयर में आता है, एक थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा। आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पाम में इस साइज का आ रहा है, तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। अच्छा लगता है डेकोर करने के बाद, आप इसको अपने बैकड्रॉप डेकोर में या फिर आप अपने ड्राइंग रूम में कहीं भी एंट्री वे पे इसको अच्छे से लगा सकते हो। और इसका प्राइस है 699 रुपीज, जो थोड़ा सा कॉस्टली है बट अच्छा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट परचेज की तरफ। वो भी बहुत ज्यादा क्यूट है और वो इस तरीके की पैकेजिंग में आया था, इसमें बाहर अमेज़न का रैपर भी था। जो है ये आपने ये काफी सारी जगह पे देखा होगा, और दिवाली अप्रोप्रिएट तो बहुत ही ज्यादा है। ये बोरोसिल ग्लास का है, इसमें आप कलरफुल पेबल्स जो मार्बल्स होती है ना वो डाल के, कुछ छोटा सा क्यूट सा कोई डेकोर पीस डाल के इसको आप हैंग कर सकते हो, या फिर आप इसमें वो जो टी लाइट आती है, कैंडल्स आती है, उनको भी आप इसमें लगा के हैंग कर सकते हो। मैं आपको एक पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे कि इसको आप कैसा लगेगा ये मैं जब इसको डेकोर करूंगी। तो इसमें मुझे ये ऐसे चार पीस मिले हैं, जो साइज वाइज मेरे पाम के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कि इसका साइज क्या है, काफी ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, ओके है। और इसका प्राइस था 569 रुपीज। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परचेज की तरफ, जो कि है ये गार्लैंड। और फेस्टिवल सीजन में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, हर किसी के घर देखने को मिल जाता है। तो मेरे पास नहीं था, मैंने परचेज कर लिया है। ये पैक ऑफ 8 था, इसमें चार आपको ऐसे ग्रीन मिलेंगे लीव्स जो मनी प्लांट का कुछ लुक दे रहे हैं, और चार आपको ये ऑटम लीव्स के ऑरेंज कलर का आएंगे। तो टोटल ये 8 का पेयर होता है, और इसकी जो लेंथ है वो 7 फीट है, जो आइडल हाइट होती है। अगर आप खड़े होकर भी आप देखोगे तो 1 फीट आपसे लंबाई जाएगा अगर आप 6 फीट के भी हो। तो दिस इज द नेक्स्ट परचेज, और इसका प्राइस था 359 रुपीज फॉर 8 लीव्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परचेज की तरफ,
जो कि है ये क्यूट क्यूट बुद्धा आइडोल बोलते हैं इनको, ये इस तरीके से है। मैं इसका क्लोजअप और स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि ये कैसा दिखता है। और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं, और अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये वो इससे भी खेल सकते हैं। टूट सकता है पर पता नहीं मटेरियल क्या है, बट मुझे बहुत क्यूट लगा इसके, मैंने इसको परचेज किया है। और इसका प्राइस है ओनली 165 रुपीज। अच्छा, ये जो बुद्धा मैंने लिए थे ना, ये आप इसमें भी रख सकते हो। तो ये इसमें रखे हुए भी क्यूट लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परचेज की तरफ, जो कि है ये दो पेबल्स। ये मल्टी कलर में है, और ये जो सी पर्ल सी शेल्स होते हैं ना, ये वो है। ये 500 ग्राम की क्वांटिटी में है और ये 100 ग्राम की क्वांटिटी में है। आप इनको अगेन अपने ग्लास की टेबल है अगर आपकी सेंटर टेबल, उसमें डाल सकते हो, एक्वेरियम में डाल सकते हो, या फिर आप अगेन जो मैंने बोरोसिल ग्लास के बोल्स लिए हैं आप उसमें डाल सकते हो, प्लांट में डाल सकते हो, बैम्बू प्लांट होता है अगर ग्लास की बोतल है तो आप उसमें भी डाल सकते हो इनको। अगेन इट्स अपॉन टू यू कि आप इसको किस तरीके से मल्टीपर्पज वे में आप इनको यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं, फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छा लुक देते हैं, इसलिए मैंने ये अलग अलग दो परचेज करे हैं। ये मार्बल है स्मॉल साइज का, और ये शीशेल है स्मॉल साइज का, दोनों ही स्मॉल साइज के हैं। और प्राइस बता देती हूँ मैं आपको इसका, ये वाला पेबल्स कलरफुल वाला है 94 रुपीज का, और ये वाला है 79 रुपीज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परचेज की तरफ, वो है ये एंजल हॉर्स। इसका पूरा नाम मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, इसका नाम है फ्लाइंग एंजल हॉर्स ब्रास शोपीस फॉर होम डेकोर। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। कहते हैं घर में हॉर्स रखना अच्छा होता है रनिंग करता हुआ, और ये तो एंजल हॉर्स है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। और ये ब्रास का है, काफी हैवी क्वालिटी में है और बहुत ही अच्छा लगता है रखा हुआ। मैंने इसको अपने एंट्री वे पे रखा हुआ है, जो भी कोई आता है इसके बारे में जरूर पूछता है कि कहाँ से लिया, तो ये बहुत अच्छा है, आप एक बार इसको प्लीज चेकआउट जरूर करिएगा। और इसका प्राइस है 641 रुपीज। आप सोच रहे होंगे कि ये कॉस्टली लग रहा है, बट अकॉर्ड मैंने कहा ना कि ये ब्रास का है, तो क्वालिटी वाइज मटेरियल वाइज ये प्राइस इसका वर्थ है, तो प्लीज इसको ट्राई जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परचेज की तरफ, तो वो है ये टी लाइट, ये वाला, इसको स्मोकलेस हीटलेस कैंडल बोलते हैं। सिंपल, नीचे यहाँ बैटरी होती है एलईडी, और इस तरीके से ये जल जाती है। मुझे ये पसंद है, वैसे तो हम लोग दिए ही जलाते हैं अपने दिवाली पे फेस्टिवल पे, क्योंकि वो दियो का त्योहार है, बट जब फोटोशूट करना होता है तो डर लगता है कि कपड़े जल ना जाए, या छोटा बच्चा है तो वो ना जल जाए, या हमने कहीं डेकोर कर रखा है वो ना खराब हो जाए। तो उससे बचने के लिए, सिर्फ फोटोग्राफी के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, और डेकोर के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको अपने एंट्री वे पर कहीं लगाना है तो आप इसको जरूर चेकआउट करिएगा। और फेस्टिवल निकल जाए तो कभी आप कैंडल लाइट डिनर के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी ये काफी अच्छा काम करता है। ये 6 का सेट आया है और इसका प्राइस है 199 रुपीज, तो वर्थ है। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो की है मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे चाहिए भी था, तो मुझे ये अमेज़न पे मिल गया तो मैंने फटाफट से ले लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। तो वो है ये एरिका पाम। ये मुझे बहुत पसंद है, काफी दिनों से मैं इसे ढूंढ भी रही थी, मैंने लोकल शॉप पे भी कई सारे लोगों के पास पूछा जो इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा कॉस्टली दे रहे थे, बट जैसे ही मुझे ये अमेज़न पे दिखा और मुझे लगा मेरे बजट में आ रहा है तो मैंने फटाफट से इसे परचेज कर लिया। तो ये इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है, आई थिंक 2.5 फीट इसकी लेंथ है हाइट, और इसमें 15 और 20 अराउंड इसमें ये लीव्स दी गई है, और इसका प्राइस है 729 रुपीज। आप ये मत सोचिएगा कि ये कॉस्टली, आप मार्केट में जाके अगर इसको लोकल मार्केट में पूछेंगे तो आपको ये 1000, 1200, 1500 से कम प्राइस में कोई भी नहीं देगा, तो प्लीज इसको चेकआउट जरूर करिएगा। तो ये मुझे बहुत पसंद है, आने वाले वीडियोज में आप इसको मेरे बैकड्रॉप पे भी देखोगे, मैंने स्पेशली ये अपने YouTube वीडियो के बैकड्रॉप के लिए ही परचेज किया है। अभी फेस्टिवल है तो ये उस पर तो काम करेगा ही, उसके बाद ये मेरे एज अ बैकड्रॉप में काम करेगा।
तो दिस इज माय लास्ट परचेज. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. अब आप जरूर बताइएगा कमेंट में नीचे मुझे कि आपको मेरे पूरे हॉल में से सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी है, और क्या मैंने अच्छा लिया है, क्या मैंने खराब भी अगर लगा है तो वो भी प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा. आखिर मुझे भी तो पता चले आप लोगों की चॉइस क्या है. और मुझे ये भी बताइएगा कि आप इसमें से क्या परचेज करने वाले हो. इन सभी प्रोडक्ट का परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज उस पर क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट पे जाके इसको परचेज कर सकते हो. सारे ही प्रोडक्ट अमेजोन से लिए हुए हैं, और जैसा कि मैंने बताया ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, तो अभी आपको काफी अच्छे प्राइस में सेल में ऑफर्स में काफी सस्ती चीजें मिल जाएंगी. चलिए अब मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ. लेकिन तब तक आप मेरे वीडियो को एंजॉय करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है. और अब तो फेस्टिवल है, आपके घर बहुत सारे लोग आएंगे, उनको मेरा चैनल दिखा के उनसे भी सब्सक्राइब कराइएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो. और फेस्टिवल एंजॉय करिए, सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, क्रैकर्स से पटाखों से थोड़ा दूर रहिए, और फेस्टिवल एंजॉय करिए. मैं मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ. टिल देन बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली.